हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आचार्य सीरीज में। मैं हूँ श्री चैतन्य चंद्र दास। आज हम तुकाराम महाराज की एक छोटी सी लीला देखेंगे। तुकाराम महाराज एक बार कोटलेश्वर महादेव के मंदिर के लिए जाते हैं, प्रस्थान करते हैं। उनके साथ उनके दो असिस्टेंट होते हैं, उनका नाम रहता है गंगाजी मावळ और संताजी तेली। ऐसे तीनों कोटलेश्वर महादेव जो कि शिंगणापुर के पास ये महादेव का मंदिर है, वहाँ पे वो जाने के लिए निकलते हैं। तो बहुत लंबा उनका सफ़र होता है, तो करीब करीब 7 दिन उनको लगते हैं जाने के लिए। लेकिन रास्ते के ऊपर वो तीनों हरिनाम करते हैं, पांडुरंग का नाम लेते हैं, विठ्ठल का नाम लेते हैं, राम कृष्ण हरि बोलते हुए वो जाते हैं। तो 7 दिन के बाद इस जगह पे पहुँचते शिंगणापुर के पास, जहाँ पे कोटलेश्वर महादेव मंदिर रहता है। तो वो मंदिर काफ़ी ऊपर रहता है पर्वत के ऊपर, और वो नीचे ही आते हैं। और फिर गंगा जी मावळ और संताजी तेली बोलते हैं तुकाराम महाराज को कि चलो हम जाते हैं भगवान का दर्शन लेने के लिए, भगवान शिव जी का। तो तुकाराम महाराज बोलते नहीं, पहले हम यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं, उनका हम स्मरण करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे और उनके लिए थोड़ा सा कुछ भोग बनाएंगे, और फिर हम उनको मिलने के लिए जाएंगे, भगवान का दर्शन लेने के लिए जाएंगे। तो फिर वो दोनों असिस्टेंट बोलते हैं ठीक है। तो तुकाराम महाराज उनको बोलते हैं कि थोड़ा भिक्षा करके लाओ और यहाँ पे हम अच्छा सा भोजन बनाएंगे, भोग बनाएंगे शिव जी के लिए। तो फिर वो खाना बनाते हैं, तैयार होता है, और जैसे ही वो भोग लगाने के लिए वो रेडी होते हैं, उस समय एक बड़ा एक साधु वहाँ पे आते हैं, बाबा जी। उसके लंबे लंबे जटा होते हैं, उसकी लंबी दाढ़ी होती है, और उसके शरीर पे बहुत सारी राख होती है, और उसके शरीर पे कपड़े नहीं रहते, वो नग्न होता है। तो ऐसे एक साधु बाबा जी वहाँ पे आता है और वो बोलता है तुकाराम महाराज को कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए। तो तुकाराम महाराज बोलते हैं हाँ आ जाइए, हमने अभी अभी बनाया है। तो तुरंत वो बैठ जाता है बाबा जी, और ये जो उनके दो असिस्टेंट्स रहते हैं वो तुरंत क्या करते हैं, 4 प्लेट बनाते हैं वो तीनों के लिए और एक वो बाबा जी के लिए। तुकाराम महाराज बोलते नहीं नहीं, पहले इन बाबा जी को लेने दो, ये बाबा भूखे हैं, एक ही प्लेट बनाओ, उनको देते हैं, बाद में बचा तो हम लेते हैं। तो फिर वो उनको परोसते हैं वो बाबा जी को। तो जैसे परोसते हैं, वो इतना भूखा रहता है, वो खाते जाता है, खाते जाता है, खाते जाते हैं, उनको और परोसते तुकाराम महाराज, और देते हैं, और देते हैं, वो खाता है। और वो सारा जो 3-4 लोगों के लिए इतना सारा भोजन बनाया था, वो अकेले वो व्यक्ति खा लेता है वो बाबा जी, और फिर संतुष्ट होता है, और फिर तुकाराम महाराज और उनको तीनों को आशीर्वाद देता है और फिर चला जाता है। जो तुकाराम महाराज बोलते देखो कितना भूखा था वो बाबा जी, तो अच्छा हो गया उसको हमने पहले खिलाया, अभी हमारे लिए हम थोड़ा बहुत हम पका लेंगे, क्या करो अभी तो सब खत्म हो गया, थोड़ा सा और थोड़ा भिक्षा करके ला और थोड़ा सा हम कुकिंग करके हम ले लेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं, और फिर हम जाके दर्शन करेंगे। तो जैसे ही वो बर्तन जो होते हैं वो देखते हैं तुकाराम महाराज, जो खाली बर्तन थोड़ी देर में देखते हैं, तो वो बर्तन फिर से उसमें पूरा अन्न जैसे कि तैसे रहता है। तो तुकाराम महाराज को ये जादू देख के तुरंत विश्वास हो जाता है कि जो व्यक्ति, जो बाबा जी यहाँ पे आए थे, वो और कोई नहीं थे, वो शिवजी थे, साक्षात शिवजी दर्शन देने के लिए आए थे। तो तुकाराम महाराज को दर्शन देने के लिए और उनका दर्शन लेने के लिए साक्षात वहाँ पे शिवजी आते हैं। तो देखिए, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको देखने के लिए देवता भी तरसते हैं, शिवजी, ब्रह्मा जी और बाकी जो देवी देवता है, वो भी शुद्ध भक्त की, जो शुद्ध भक्त का दर्शन होता है उसके लिए लालायित होते हैं। तो शिवजी साक्षात उधर आते हैं तुकाराम महाराज का दर्शन लेने के लिए। फिर बाद में सभी वो तीनों बाद में ऊपर जाते हैं पर्वत के ऊपर और शिवजी का दर्शन लेते हैं, और बाद में उस गांव में शिंगणापुर में करीब करीब 5 दिन रहते हैं और हरिनाम का गजर करते हैं और सारे लोगों को हरिनाम में डुबो देते हैं। ऐसे थे तुकाराम महाराज, ऐसे शुद्ध भक्त थे कि उनके लिए साक्षात शिवजी आए मंदिर के बाहर उनका दर्शन लेने के लिए। तो हम ये सीखते हैं आज की लीला से। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।